बहुत स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर ऑगस्ट प्रेजेंस। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि वे स्वागत प्रवचन करें। ओवर टू यू सर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, परिवहन मंत्री रणछोड़ भाई फलतू जी, मुख्य सचिव अनिल मुकिम, सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय, हमारे विभाग के सचिव गिरिधर हरमनी जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, आज का यह दिन हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का और विकास हो और आत्मनिर्भर भारत में, भारत के निर्माण में हम जो नई नीतियों के साथ इस देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने 2015 से इस पॉलिसी पर अध्ययन शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका प्रारंभ भी होने जा रहा है। हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया क्योंकि पेरिस में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेरिस एकॉर्ड हुआ उसमें हमारे देश में हमने पोल्यूशन के बारे में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। देश के इतिहास के तीन महत्वपूर्ण पिलर हैं, एक है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के क्षेत्र में हमारे सभी विभागों ने मिलकर हमने ये निर्णय किया कि जो पोल्यूशन के नॉर्म्स थे BS4 उसको हमने BS6 पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए एकदम जंप करके उसके ऊपर जाने का निर्णय किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके बारे में काफी रिजर्वेशन था, पेट्रोलियम कंपनी ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया और आज हमने BS6 के पोल्यूशन नॉर्म्स को बहुत यशस्वी रूप से उसके ऊपर अमल किया है। पोल्यूशन के साथ साथ व्हीकल का फिटनेस, फ्यूल इफिशियंसी और रोड सेफ्टी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब इकोनॉमिक मॉडल में भी हमने रोड सेफ्टी में जो एयर बैग्स है वो मैंडेटरी की है ताकि हम लोगों की जान बचा सके। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में करीब 1 करोड़ ऐसी गाड़ियां थी जो बिना वैलिड फिटनेस के साथ, फिटनेस के बिना चल रही थी। उसके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा था और फ्यूल में भी काफी खर्चा हो रहा था क्योंकि उसमें फ्यूल इफिशिएंसी नहीं थी और सेफ्टी के दृष्टि से भी अपने नॉर्म्स वो पूरी नहीं कर रही थी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत उसी विचारों से हुई है। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12% अधिक पर्यावरण को निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि इसका जो पुराने वाहनों का जो प्रदूषण प्रमाण है वो 10 से 12 गुना अधिक है। और रोड सेफ्टी के लिए वो एक जोखिम के रूप में हमारे सामने है, निश्चित रूप से पुराने वाहनों को लेकर एक समस्या भी है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है। इस इंडस्ट्री से लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार मिला है। ऑटो इंडस्ट्री का कुल एक्सपोर्ट 3.5 लाख करोड़ का है और कोविड महामारी के बावजूद भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कुल रिकवरी प्री कोविड के मुकाबले 98% हुई है। हमने जो पॉलिसी के समय जो क्राइटेरिया निश्चित किया है, इस पॉलिसी में स्क्रैपिंग का प्राइमरी क्राइटेरिया गाड़ी का फिटनेस यही रखा गया है, एज नहीं। और इसलिए फिटनेस ये क्राइटेरिया रखने के कारण हम देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर PPP मोड में हम फिटनेस सेंटर के भी निर्माण करने वाले कार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
एज से केवल बढ़ती हुई बढ़ती हुई एज अगर बढ़ा तो उसमें केवल हमने री रजिस्ट्रेशन फी और फिटनेस सर्टिफिकेट फी जो है वो लागू की है। ये पॉलिसी सब स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद है और सबके लिए इसकी उपयोग भी होगा। इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसके कारण बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ विशेष रूप से इसी के कारण हमारे सेविंग्स भी बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमको मेटल्स लगती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, प्लास्टिक, ये सब इसमें से वेस्ट के रूप में निकलेगा और जिससे हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी और रोजगार की भी निर्मित होगी। जो नई व्हीकल आएगी वो रोड सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे करने के कारण हम जनता का रक्षण भी कर सकेंगे और रॉ मटेरियल में कॉस्ट लो होने के कारण फिनिश प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट भी कम होगी। जैसे कॉस्ट कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के साथ हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार भी निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से ये विन विन पॉलिसी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। स्क्रैप मटेरियल से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सस्ते दाम में रॉ मटेरियल प्राप्त होगा, इसके कारण स्वाभाविक रूप से आप सबको पता है कि हम एल्यूमिनियम, कॉपर इंपोर्ट करते हैं और इसलिए जब हमारे देश में ये वेस्ट हमको मेटल वेस्ट मिलेगी तो इसके कारण निश्चित रूप से हमारा इंपोर्ट कम होगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक निश्चित रूप से ये हमारे लिए उपलब्ध होगा। अगर नियमित रूप से स्क्रैपिंग की जाए तो करीब 99% तक इसकी रिकवरी हो सकती है और जिससे रॉ मटेरियल के कारण कॉस्ट में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 40% तक कमी आएगी, ऐसा अनुमान है। मुझे विश्वास है कि इससे कंपोनेंट सस्ते बनेंगे और जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़ेगा और क्वालिटी में भी वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल का सेल्स भी बढ़ेगा। अनुमान है कि बढ़े हुए सेल्स की वजह से भारत सरकार को जीएसटी में लगभग 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और स्टेट गवर्नमेंट को उनके जीएसटी में भी करीब 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट भी मिलेगी, इसका भी अनुरोध हमने कंपनियों को किया है। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी जो उस गाड़ी को स्क्रैप करेंगे। गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू भी कम से कम 4 से 7% तक आएगी और उसके कारण उसका भी जो इनकम है वो भी निश्चित रूप से इससे मिलेगा। जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसके कारण मिलने वाली है उसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, इसकी वजह से करीब 10,000 करोड़ की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएगी और करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। स्क्रैपिंग सेंटर्स में जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स लगेंगे उसमें निश्चित रूप से प्राइमरी क्राइटेरिया यही है कि मैक्सिमम रिकवरी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे हो जाए। बाद में इसको शायद सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा, उसकी भी हमने प्लानिंग की है, जिसमें प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसको सेग्रीगेट करके हम हमारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज को दे सकेंगे, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दुनिया में बेल्जियम और जापान, इस देशों ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और उन्होंने उनके सिस्टम का भी अध्ययन करके हमने पॉलिसी में उन सब बातों को हमने स्वीकार किया है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए गाड़ी को कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर ज़्यादा जाने की जरूरत ना पड़े, इतने स्क्रैपिंग सेंटर्स बने ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। हर जिले में एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी हो और जिससे फुल्ली कंप्यूटराइज चेकिंग होगा और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जो है ये पीपीपी मोड में करने की हमारा प्रयास है, ये भी निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। जो स्क्रैप मटेरियल में जैसे एलिमेंट्स है उसमें लिथियम है, एल्यूमिनियम भी है, वो भी प्राप्त होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में जो विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है जो मेटल है वो भी पुराने गाड़ी के मैग्नेट से उधर से निकलेगी, जो लिथियम आयन बैटरी बनाने में काम आएगी। जो भंगार स्क्रैपिंग इंडस्ट्री को एक इनफॉर्मल स्वरूप में है उसको ये पॉलिसी फॉर्मलाइज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। और एक अच्छी बात गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने कांडला पोर्ट का ड्राफ्ट 18 मीटर बनाया। हमारे आजू बाजू के देशों में स्क्रैपिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ की पुराने गाड़ियों को इस प्रकार से बड़ा कंटेनर में कंटेनर टाइप उसका पैकिंग करके
अगर 2 लाख टन का शीप अगर कांडला में आता है तो उससे और सस्ता रॉ मटेरियल जो हम कॉपर और एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय ये अगर स्क्रैपिंग आएगा तो कांडला में इसमें विशेष रूप से इकोनॉमिकली फायदा होगा। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कांडला में इस प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर अगर होता है तो निश्चित रूप से 18 मीटर के ड्राफ्ट के कारण दुनिया भर की जो स्क्रैपिंग क्रैप मटेरियल है गाड़ियां है वो अगर आएगी तो इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर वहां हो सकता है। मैं एमएसएमई मंत्री था तो थोड़ा इसमें प्रयास किया, आप जरूर इसमें आगे अध्ययन करिए और आपको उचित लगेगा तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विशेष अनुरोध किया था कि विशेष रूप से अलंग में एक इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने का लक्ष्य है। आप सबको पता है कि हमारे जो शिप्स है जो पुराने हो जाते हैं उसका स्क्रैपिंग करने के लिए पूरे बहुत दिनों से अनेक सालों से वहां आते हैं और ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, रोजगार देने वाला है, देश की वेल्थ को समृद्ध करने वाला है। तो निश्चित रूप से अलंग में भी हमने इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने के लिए हमारे तरफ से राज्य सरकार के सहयोग से हम निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेंगे। भारत ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हाँ स्क्रैपिंग हब भारत को बनाने का हमारा सपना है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों की स्क्रैप गाड़ियां ये जो 18 मीटर का ड्राफ्ट है कांडला पोर्ट में उसका उपयोग करके यहाँ लाकर ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनके नए रोजगार का भी निर्माण होगा। और यही इंडस्ट्री है कि जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार देती है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। अभी टू व्हीलर इंडस्ट्री में हमारा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों की, आप सभी स्टेकहोल्डर्स की
बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रीसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। साथियों, आज जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेष है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, होंगे ही। जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी इकोनॉमी, दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे पर्यावरण, हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारे रॉ मटेरियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने वाले रेयर अर्थ मेटल्स, जो आज ही रेयर है लेकिन जो मेटल आज उपलब्ध है वो भी कब रेयर हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। भविष्य में हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो धरती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश यह है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भारत को अपने हित में, अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं। इसी सोच के साथ बीते सालों में एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ है। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में वेस्ट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों,
ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। शायद सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, फॉर्मल स्क्रैपिंग पर क्या लाभ होता है, गुजरात ने तो उसे साक्षात अनुभव किया है और अभी नितिन जी ने भी इसका वर्णन किया। गुजरात के अलंग को शिप रिसाइकलिंग हब के रूप में जाना जाता है। अलंग दुनिया की शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है। शिप रिसाइकलिंग के इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहां रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार किए हैं। इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और कुशल स्किल्ड मैनपावर भी है। ऐसे में जहाजों के बाद गाड़ियों की स्क्रैपिंग का भी ये बहुत बड़ा हब बन सकता है। साथियों, स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बीते साल ही हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है। हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती।
अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े, लेकिन इसमें इंडस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। आने वाले 25 साल के लिए आपके पास भी आत्मनिर्भर भारत का एक स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए। देश अब क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए पुरानी अप्रोच और पुरानी प्रैक्टिसेस को बदलना ही होगा। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है। साथियों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है। यहां से हमें अपनी पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जाना है। मुझे विश्वास है कि ये नया प्रोग्राम देशवासियों में भी और ऑटो सेक्टर में भी एक नई ऊर्जा भरेगा, नई गति लाएगा और नए विश्वास का संचार भी करेगा। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मैं नहीं मानता हूं कि उद्योग जगत के लोग जाने देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि पुरानी गाड़ियों को ढोने वाले लोग इस अवसर को जाने देंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई यह व्यवस्था है। आज गुजरात में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है और गुजरात का तो वैसे भी और हमारे देश में भी सर्कुलर इकोनॉमी शब्द नया आया होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी माँ उसमें से ओढ़ने के लिए रजाई बना देती हैं, फिर रजाई भी पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है तो उसको भी फाड़ फोड़ करके कचरा पोता के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी रिसाइकलिंग क्या कहते हैं या सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहते हैं वो भारत के जीवन में नई नहीं है। हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि कचरे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई शरीक होगा और हम भी और नई नई चीजें आविष्कार करने की दिशा में सफल होंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री।